नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजातरीन खबरों पर। भोपाल, रंगदारी नहीं देने पर व्यापारियों पर जानलेवा हमला करने वाले खूंखार बदमाश अरशद उर्फ बब्बा के घर को प्रशासन ने तोड़ दिया। अरशद शातिर बदमाश, उसके खिलाफ 32 संगीन अपराध है। हालांकि वह जिला बदर उल्लंघन के मामले में जेल से लिया हुआ था। इसके बाद काजी कैंप वाफना कॉलोनी में रंगदारी नहीं देने पर दो व्यापारियों पर उसने अपने गैंग के 6 साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में एक व्यापारी की उंगली कट गई। अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जहांगीराबाद पुलिस ने करीब 3 महीने पर अरशद बब्बा को जिला बदर के उल्लंघन में पकड़ा था। स्ट्री शीटर बब्बा हाल ही में जेल से रिहा हुआ। इसके बाद उसने गैंग के साथ मिलकर व्यापारियों से रंगदारी वसूलने के लिए धमकाने लगा। पुलिस उसे जिला बदर भी करती है, लेकिन वह शहर छोड़कर नहीं आता। वह नाले के पास कांग्रेस नगर टीला जमालपुरा का रहने वाला है। पेशे से मैजिक ड्राइवर अरशद जुआ सट्टा भी खिलवाता है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। उसके लगभग 3 दर्जन अपराध हैं, उसमें से लगभग आधे दर्जन से ज्यादा बहुत ही गंभीर अपराध है। अभी 2022 से 2023 के बीच में भी आधा दर्जन गंभीर अपराध किए हुए हैं। अभी लेटेस्ट में उसके तहत 4-5 वारदातें की गई है। हमारे इधर का निगरानी बदमाश है, उसका जिला बदर भी है और वो यहीं काजी कैंप क्षेत्र में उसका निवास है। तो उस पर से नगर निगम और राजस्व विभाग की टीमों के द्वारा अनधिकृत निर्माण कार्य किया गया है, उस पर से कार्रवाई की जा रही है। बाकी पुलिस की कार्रवाई जारी है, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी और जेल दाखिल किया जाएगा। गौतम नगर और निशापुरा में भी एक ही दिन में वारदात को अंजाम दिया था। हाँ जी, ये ऐसी घटना संज्ञान में आई हुई है, उसमें से प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। गंभीर धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है और अड़ीबाजी की धाराओं का भी इजाफा किया गया है। सारी जो भी घटनाक्रम किया गया है उसके मुताबिक ही FIR की गई है और जल्दी मजबूत कार्रवाई की जाएगी। लोगों ने वारदात को अंजाम दिया, उसके साथ और कितने साथी? लगभग 4-5 लोग जो साथी दारानों के नाम अभी तक आए हुए हैं। अन्य जो भी साथी दारान है और जिनके द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है, सभी पर कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना से एक रात पहले भी, लेकिन पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई थी। जिला बदर भी उसका चल रहा था, तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी यहाँ देखने को मिली थी। यदि पुलिस उसको वक्त पर पकड़ लेती तो ये घटना नहीं घटती। नहीं, वो हमारी विभागीय कार्रवाइयों में से वो कार्रवाई प्रतिदिन रहती है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो भी प्रिवेंटिव कार्रवाई की गई है समय पर तामील की जाए, उस पर निगाह रखी जाए। उसके ऊपर जो अधिकारी सुपरवाइजरी अधिकारी रहते हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है। तो वो हमारी विभागीय कार्रवाई है जो प्रचलन में है। और शासन की जैसे कि नीति है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि माफी के ऊपर पूरी कार्रवाई करने के लिए, उसके क्रम में जो है निरंतर कार्रवाइयां जो है जारी है। यहाँ पर काजी कैंप क्षेत्र में स्थित अरशद बाबा नामक अपराधी, जिनके ऊपर पुलिस के अंदर कई प्रकरण जो है दर्ज है, यहाँ पर उनका मकान का जो है अवैध निर्माण का मामला है, जो उनका निवास था उसको जो है आज जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन को सहयोग लेकर तोड़ने की कार्रवाई की जाए। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।